हमारे कुछ बदक है, परसों हमारे दो एक बदक मर चुका था पैर के दर्द के वजह से, तो हमारे पास अभी दो ही बदक बचे हैं, तो इन लोग को फटाफट से हम खोल देते खाना खाने के लिए। आओ चलो बेटा बस। और ये कुछ हमारे चूंगा उधर धूप में मजे ले रहा है, और ये हमारे बाल तक कैमरे पर पट पट मारते ही रहते हैं। तो भाई अभी हम उधर चलते हैं। तो गाइस आ गए हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग डालेंगे हमारे कबूतरों को दाने। तो देखो अभी तल्हा भाई डालेंगे और आवाज लगाएंगे सारे कबूतरों को। आओ कबूतर आओ आओ, सिर्फ आओ आओ बोलने से ये नहीं आएंगे, बोलना आ जाओ कबूतर, एक एक का नाम लेके बुलाओ, एक एक का नाम लो, बोलू आओ। बोलू किधर है? वो है बोलू, वो हमारा बोलू है ब्लैक वाला। ये हमारा फेंटेल है लखा, इसका तो नाम ही नहीं रखे हम लोगों ने, खाली उसका वो जो ब्लैक वाला है उसका ही नाम रखे थे हम लोगों ने कबूतर का। हम लोग का सबसे पहला कबूतर है वो, और उसके साथ वाली जो एक कबूतर नहीं थी उसकी मुखी थी वो, तो वो मुखी तो ऐसा हुआ उसकी मतलब टाइम हो चुका था, वो बेचारी मर गई है। तो अभी फिलहाल हम लोगों के पास सिर्फ सिराजी बचे हुए, मुखी तो हम लोगों ने दो ये नहीं लाए थे। इससे पहले हम लोगों के पास ना गोल्डन कलर की थी ना, तो लग गया प्यारी लगती थी अपनी पहले वाली मुखी। तो देखो जंगली भी आ गए सारे खाने के लिए। हाँ और ये वाली मुखी इतना डांस नहीं करती है ना, डांस नहीं करती ये वाली मुखी नॉर्मल ऐसी मतलब घूमते रहती है खाली। अभी अंडे दिए इसने, बच्चे भी दिए, लेकिन इतना डांस वांस कुछ करती नहीं है ये मुखी। ये देखो ये हमारा ब्लैक एंड व्हाइट कलर का फ्लाइंग पिजन है, ये बहुत अच्छा कबूतर है मेरा। आधे कबूतर हाँ उस तरफ है ना, उन लोगों को लेके आओ जाके जरा। तो गाइस ये देखो यहाँ पे हम लोगों के आधे कबूतर है ये देखो, और यहाँ पे दो देखो इस तरफ बैठे हुए, ये देखो सारे के सारे कबूतर उस तरफ बैठे हुए। हाँ ये लकवे वाली है ना अपनी, इसकी गर्दन में लकवा है तो इस वजह से हाथ से खाती है। ये देखो ये दोनों यहाँ पे छुप के बैठे हुए, इन लोगों को भी ले लो आराम से लो, चलो उस तरफ चलो। देखो गाइस ये सारे कबूतर मेरे, देखो कितने सारे कबूतर यहाँ पे छुप के बैठे हुए थे। खैर इन लोगों को हम लोगों ने ले लिए है यहाँ से, ये फेंटेल का बच्चा है भाई, इसको हाथ में लेना पड़ेगा। इसकी आँख देखो, कबूतर ने वो अपने छोटे वाले चूजे ने मारा था ना, इसकी आँख में अभी भी चोट लगी हुई है, आँख खुली नहीं है। देखो ये वाली आँख खुली हुई है, अब दूसरी आँख नहीं खुली है, उठाओ जरा इसे भाई। पर इतना प्यारा बच्चा था, और उन लोगों को भगाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो लोग खुद से चले गए वहाँ, दाना उन लोगों का दाना खत्म हो गया रहेगा, उन लोगों को और दाने चाहिए। अब इधर लाओ जरा इसको दिखाओ, और ये वाला तो छूट गया अपने से, ये वाले को भी लेना था ना। अरे बाप रे, ये देखो इसे। खैर ये देखो गाइस इसकी आँख मतलब लगभग 5 से 6-7 दिन होने आए, इसकी ये आँख देखो गाइस अभी तक इस पर चोट लगी हुई है, ये आँख खोल ही नहीं पा रहा है, ये बहुत दर्द में ये वाली आँख से, ये खोल बिल्कुल भी नहीं खोल रहा है, चिपक गई है शायद आँख इसकी। हाँ बेचारे को बहुत जोर में लगी थी, खाना भी नहीं खा रहा है इसके, देखो सीने में से ये भी निकल गया है, यहाँ से हड्डी आ गई है इसे। चलो इसको लेके चलते देखते हैं वहाँ पे, अगर खाना हुआ तो खा भी लेगा ये। हाँ बदक भी वहाँ पे इंतजार कर रही है, दो ही बची हुई है बदक तो हमारे पास। ना भाई इतने अच्छे अच्छे बदक आए थे, माशाल्लाह देखो क्या भरा भरा सा लग रहा है हमारा सारा का सारा पूरा सेटअप, सारे कबूतर हमारे यहाँ आ गए भाई। इन लोगों को और थोड़े दाने डाल दो, वो देखो चूजा फिर से आ गया कबूतरों को मारने के लिए। ये देखो ये इसको देखो ना, देखो कैसा फिर से मार रहा है, देखो सब कबूतरों को मारता है, ये बार बार आ जाता है मारने के लिए। अरे वाह लवबर्ड्स को देखो गाइस, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, देखो कैसे कर रहे, वाह माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं तला ये, लेकिन अंडे नहीं दे रहे ये, अंडे पता नहीं कब देंगे। और वो डायमंड डव भी बहुत टाइम से पड़े हुए हैं हमारे पास, लेकिन अंडे उन्होंने भी नहीं दिया है। हमारा ये फेंटेल को क्या हो गया है? हाँ ना भाई बार बार खाता ही नहीं। इसके बच्चे को देखेंगे हम, फेंटेल के बच्चे को? भाई फेंटेल का बच्चा निकला ही नहीं है अभी तक, निकला नहीं है? नहीं, इसने अंडे में से अभी तक एक भी बच्चा नहीं आया इसके? नहीं। अच्छा, बाकी हमारे दूसरे वाले कबूतर कैसे? हाँ, उन लोग दोनों बच्चे निकल गए। दोनों निकल गए ना, हाँ। दिखाओ जरा वो वाले कबूतर। माशाल्लाह गाइस देखो, गाइस देखो ये देखो उसके ना, अभी हम लोग पास जाएंगे ना तो देख रहे हो कैसे उसके पैर मुंडी पे पैर रख रहा है ये बड़ा वाला कबूतर। तो हम लोग इसीलिए ना इन लोगों से दूर रहते हैं, इन लोगों के पास नहीं जाते, अगर इसके पास चले जाए तो ये ऐसे इसके ऊपर चढ़ के उसको ना मतलब, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि मेरे फेंटेल ने ना जो है छोटा बच्चा दिया था जो फेंटेल का, तो उसके पैर पे पैर रख दिया था, उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया था, तो उस वजह से वो थोड़ा लंगड़ा सा हो गया था।
भाई ये जो कबूतर है ना हमारे सारे के सारे, हाँ, ये वाले कबूतर ना हमेशा इसी पट्टे में बैठे हुए रहते हैं और वहाँ पे आते ही नहीं खाने के लिए सबके साथ में। और वो तो सबसे ज्यादा मस्ती कर रहे। वो वाला ना, वो बार बार उसको ना कोशिश ऐसा करता है कि बस यहाँ से भाग जाए किसी तरह, वो यहाँ रहना ही नहीं चाहता है। बाकी ये वाला कबूतर हमारा चेक करो गाइस, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, पाव मोच कबूतर है ये देखो। कौन सी? ये वाली, ये वाली? हाँ। ये देखो गाइस, ये फीमेल कबूतर है, इसने ना इसके साथ में जोड़ बना ली। मैंने सोचा था इसके साथ नहीं बनाऊंगा इसकी, लेकिन इसके साथ बन गई जोड़। अभी क्या कर सकते, तो खैर इन दोनों की जोड़ बन चुकी है। हाँ ये दोनों बेचने वाले है। अब तक किसी ने मतलब कमेंट नहीं किया कि किसको चाहिए या नहीं चाहिए। खैर यहाँ पे आ जाओ भाई, हमने वो खरगोशों को भी तो नहीं खोला ना, उनको भी खोल दो। हाँ इनको खोल दो फटाफट, और इन लोग को भी खाना लेके आ जाओ। ये देखो गाइस, इन लोगों का गाजर तो अंदर ही पड़ा है, इन लोगों ने खाया नहीं है अभी तक। तो गाइस ये देखो हमारे कबूतर खरगोश दोनों के दोनों खुल चुके हैं। हाँ इनके लिए पालक ले आओ, और जब तक मैं इन लोगों को, देखो कैसा अंगड़ाई ले रहा है ये, सुस्ती कैसा ले रहा है ये, आओ इधर आओ। तो गाइस हमारे सारे के सारे कबूतर आपको दिख रहे होंगे, सब ने खा लिया अच्छे से, और सब यहाँ वहाँ फैल चुके हैं अच्छे से। हाँ भाई आज आपको एक खुशखबरी बताऊँ। क्या हुआ भाई, कैसी खुशखबरी? ये जो ना अंडा दे चुकी है, ये वाली झुंड ने। हाँ। वाह माशाल्लाह, निकालो जरा दिखाओ मुझे। देखिए आराम से वो काटेगी, ये ब्लैक वाला काटता है। अरे यार माशाल्लाह, ये व्हाइट वाली ये मकवा है ना, अपन ने इसे मकवा के साथ जोड़ बनाए थे ना। हाँ भाई। ये मकवे का अंडा है मतलब। हाँ। माशाल्लाह अच्छा वो अंडा दे दिए, चलो इन लोगों ने देखते हैं। आज ही अंडा दिए ना सुबह में। हाँ भाई। तो आज कितनी तारीख है नोट करना, देखेंगे हम कितने दिन में अंडा निकल, अंडे में से बच्चा निकलता है। ठीक है बाकी इन लोगों को बंद कर दो, कौवे आ रहे। कौवे ने अभी सुबह में ऐसा हुआ, वहाँ पे वो जो हमारा छोटा वाला घर है ना ब्लैक एंड व्हाइट कबूतर का, तो वो उसने ना मतलब ये बैठी हुई थी अंदर, ये नहीं इसका मेल वाला है ना, ये तो फीमेल है, मेल बैठा हुआ था, तो मेल वाले कबूतर को अंदर जाके ना पूरा उसका सेटअप ऐसा गिरा दिया था। कौवे ने दो कौवे एक साथ अटैक कर दिए थे इन लोगों के ऊपर, देखो कैसा अभी यहाँ पे। बाकी वो अभी भी अंदर ही बैठा हुआ है, मैंने पूरा सेट कर दिया और ऊपर उसके टोकरी रख दिया ताकि वो ना मतलब थोड़ा मतलब स्टेबल रहे, गिर ना जाए फिर से, क्योंकि कौवे ऊपर चढ़ गए, वो घर उसका हल्का है थोड़ा। हाँ। तो बार बार वो गिर जा रहा था। जाओ लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, और खरगोशों को भी खोल दो हमारे। ये देखो गाइस, ये देखो, ये देखो क्या लड़ाई हो रही है इन लोगों की, माशाल्लाह। ये देखो, ये देखो, अरे बापरे, ये देखो किस तरह लड़ रहे ये लोग। छुड़ाओ इसको भाई, छुड़ाओ नहीं तो वो मार देगी उसको। देख रहे हो ये कैसा बार बार ये ना सबसे लड़ने जा रहा है, ये हमारी मुखी से भी लड़ रहा है, मार खा रहा है, मुखी बहुत मार रही है उसे। हाँ बराबर, ये देखो अभी उसके पीछे भागा, देखो कैसे मारने के लिए सबसे लड़ने भाग रहा है ये, क्यों पता नहीं सबको मारने जा रहा है ये। देखो अभी इसको भगा रहा है, पहले मुखी के पास गया लेकिन मुखी से तो मार खा लिया, अभी देखो इसको भगा रहा था ये। भाई रख दिया उन लोगों को पालक? हाँ भाई, नहीं पालक तो खत्म हो गई भाई, मैंने उन लोगों को गाजर डाल दिया खाने। गाजर रख रहे हो खाने के लिए, चलो अच्छी बात है। हाँ इन लोगों को भी खोल दो जरा। हमारी ये वाली मुर्गी बहुत दुबली दुबली नहीं लग रही है भाई, जब से मुर्गा आया था ना ये कुछ खा रही नहीं थी। हाँ तो मुर्गा तो हमने वापस भिजा दिया जिनका था उनके पास। हाँ। में तो ये मुर्गी को अभी थोड़ा अच्छा खिलाते पिलाते हैं इनको। हाँ। भी और इनको छोड़ दो फिलहाल, तो बंद बंद रह के भी दुबली हो जाते है। छोड़ दो, हट जाओ तुम, वो अब खुद से आ जाएगी बाहर। आओ आओ आओ, ये देखो गाइस, ये देखो अब होंगी इनकी मस्ती शुरू। ये देखो तला भाई के आगे पीछे कैसे घूम रही है, देख रहे हो गए? देखो गाइस देखो, मतलब इन लोगों को लगी है अभी भूख फुल तगड़ी वाली, तो इन लोगों को हम लोग जाके देखते हैं कुछ खाने के लिए, इन लोगों को लेके आते हैं खाने के लिए कुछ। याद है जब अपने इन लोगों को इतने इतने से लाए थे? हाँ हम लोगों ने इतने इतने से चूजे लेके आए थे, छोटे छोटे से, और माशाल्लाह देखो कितने बड़े बड़ी सी हो गई है दोनों की दोनों। और मस्ती तो गाइस क्या बोलूँ मैं आपको, ऐसी मस्ती करती है दोनों की दोनों कि आप देखते रह जाओगे। कई कई बार ऐसा होता है जब कैमरा बंद रहता है तो हम लोग इसकी वीडियो नहीं बना पाते हैं, बाकी ये ऐसी मस्ती करता है वो ब्लैक, स्पेशली वो ब्लैक वाला ऐसा उछल उछल के मस्ती करता है ना, आपको क्या बताऊं मैं। और भाई इन लोगों ना ऊपर चढ़ जाते दीवारों पे और फिर पक पक करेंगे तो वापस आ जाते हैं। हाँ नहीं तो नीचे जंप मार सकते हैं, ये देखो कितना ऊंचा है यहाँ से। अगर हाँ बराबर, देखो अभी वो खरगोश वहाँ पे ही बैठा हुआ है। कल ऐसा हो गया, पहले तो खरगोश को नहीं मार दी थी, अभी खरगोश को भी मारना शुरू कर दिया इसने। इसको मच्छी बहुत पसंद है ये ड्रोन वाली। खरगोश को वहाँ से हटा लो भाई। भाई पर आपने एक चीज नोटिस किया है लुकी? क्या भाई, लुकी आँख अलग अलग है। हाँ ये तो मैंने बताया था ना पहले ही, आँख ही इन लोग की अलग अलग है दोनों की, ये वाली आँख ज्यादा प्यारी है इसकी। ये वाली
यहाँ तो दिख भी नहीं रही है अंधेरे में। ये देखो यहाँ पे आके मिट्टी में खेलना शुरू कर दिया इन लोगों ने, तो इन लोगों को छोड़ देते हम लोग यहीं पे। हाँ इसको यहाँ से छोड़ दो, उधर पे थोड़ा घूमेंगी आराम से अपने आप ही। देखो अभी गाइस इसको छोड़ दिया हम लोगों ने, ये वहाँ रहता था ना, तो वो मुर्गी जो है ना इसको कल अटैक कर दी थी ये वाले पे, तो इसके लिए हम लोग ने उठा के इसको यहाँ छोड़ दिया अभी। ये देखो ये देखो अब होगी इनकी मस्ती शुरू। ये देखो 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 बोला था ना मैंने, अच्छा वो मैंने अभी कैमरा बंद नहीं किया, देख रहे हो ये अभी तो सिर्फ एक ही बार करी है ऐसा इसने। ये तो ये ऐसा ऐसा उछली मतलब ऐसा गुलाटी उल्टी पलटी ऐसा मारती है, फुल जंप वंप मारती है, उड़ने की भी कोशिश करती है। ब्लैक वाली मुर्गी बहुत ही तेज़ है और बहुत फास्ट है। हम लोगों को ना जब भी ब्लैक वाली की मुर्गी को पकड़ना रहता है ना, तो अपन पहले इसको पकड़ते ना गोल्डन वाली को, गोल्डन वाली जब हाथ में आती है तभी जाके मुर्गी वो वाली हाथ में आती है। ये देखो ये देखो ये देखो देख रहे हो भाई बहुत बहुत तेज़ है ये। थोड़े टाइम इसको खुला रखेंगे हम लोग, घूमेंगी थोड़ा अच्छे से, फिर उसके बाद बंद कर देंगे, वरना ये ना मस्ती बहुत ज़्यादा करती है मुर्गी। तो भाई अभी हम मुखी के बच्चे दिखाने जाते हैं। हाँ हाँ चलो मुखी के बच्चे दिखाओ हमें किधर है। तो गाइस ये देखो यहाँ पे है मुखी के बच्चे, बताओ जरा। ये मुखी को दोनों मुखी निकल गई है बाहर। गाइस ये देखो यहाँ पे मुखी ने दो दो बच्चे दे दिए, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत तंदुरुस्त है भाई। इन लोगों को भी ज्यादा भाई परेशान मत करो, बच्चे हैं ये छोटे छोटे, छोड़ दो इन लोगों को, वो खुद से अंदर जाके मत वापस से उन लोग के ऊपर बैठ जाएंगे, उन लोगों को गर्मी चाहिए होती है। हाँ इनका दाना भी बदल दो जल्दी जल्दी से। तो गाइस तलहा भाई तो जा रहे हैं अभी दाना बदलने के लिए, वहाँ पे हमारे सारे लव बर्ड्स और जो डायमंड डब है उनका दाना बदलने जा रहे हैं। वैसे आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।